अरे पप्पू ये तो जानते हो ना, क्या ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा सब मिस इंडिया विंडिया रही हैं, उसके बाद ही जाके एक्टिंग में आई थी। लेकिन ऐसी और भी बहुत सारी हैं जो एक्टिंग में आई पर मालूम नहीं कहाँ गई, मतलब कोई पहचान खास बना नहीं पाई। अभी वक्त है उनके पास। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है पूजा चोपड़ा का। पूजा चोपड़ा जानते हैं कौन है? मिस इंडिया 2009। हाँ, फिल्म कमांडो में नजर आई थी ना ये, आपने देखा नहीं था क्या? अरे देखते तो नजर आती हैं आपको। अभी वक्त है इनके पास, क्या मालूम कौन सी बॉलीवुड की पिक्चर इनके लिए हिट हो जाए। और नाम आता है इसके बाद सारा जेन डियाज का। सारा जेन डियाज मिस इंडिया 2007। लंबी लंबी बड़ी खूबसूरत सी लड़की। ओ माई गॉड, ओहो ये लड़की भी फिल्मों में आई जरूर, लेकिन बात बन नहीं रही। और नेहा धूपिया को तो आप जानते हैं। हाँ हाँ, सही सुना है आपने, नेहा धूपिया। उनके हॉट हॉट सीन याद हैं आपको? जी हाँ, ये भी बनी थी मिस इंडिया, साल था 2002। इसके आगे क्या बता दो भाई, खूबसूरत तो हैं, इन्होंने फिल्में भी करी थोड़ी बोल्ड शोल्ड, लेकिन वो ना जिसे कहते हैं ना कि सुपरस्टारडम तक, अब देखिए जिसकी किस्मत में जो लिखा हो। और आए इससे पहले पूजा बत्रा, विरासत और हसीना मान जाएगी जैसी फिल्में आपको याद हैं। निहायत खूबसूरत ये लड़की मिस इंडिया इंटरनेशनल जीत कर आई थी, लेकिन उसके बाद बॉलीवुड की कुछ फिल्मों ने इनका दिल जीता, लेकिन इनकी खूबसूरती न जाने बॉलीवुड की कौन से पर्दे के पीछे छिप गई। एक नाम और है जो थोड़ा सुना सुना से लगेगा, वो है मिस इंडिया अर्थ 2010 निकोल फारिया। निकोल फारिया भी बॉलीवुड में आए, फिल्म का नाम था यारियां। उसके बाद बॉलीवुड में इनकी यारी कितनी चली कितनी नहीं चली ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हर कोई ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा नहीं बन सकता। हाँ हाँ हाँ, खूबसूरती जरूरी है, लेकिन अगर मिस इंडिया बन भी गए तो भी ये जरूरी ना है कि जीनत अमान बन ही जाओगे।